Hello everyone, my name is Arnav Mishra and through this video I would like to share the innovative part that I included in the mains examination of both my UPPSC and the UPSC preparations, jiski madad se main ek acha score pa paya aur mujhe ek achi rank hasil hui. I was able to secure rank 16 in the UPPSC result and I got the allocated the position of deputy collector. In the UPSC also, in the reserve list, I was able to get the rank 42. So through this video, first of all, I would like to thank the entire DKT team, जिनके videos and toppers देख toppers के videos refer करके मैंने भी अपनी preparation को बहुत ही streamline किया है. So thank you the whole team. And sharing the innovative part which I was talking about. So first of all, देखिए notes and short notes हम सभी बनाते हैं, but what new you can do? देखिए जो coaching के materials normally available in the market हैं, वो आप और आप सभी एस्पिरेंट्स रेफ़र करते हैं, बट वॉट न्यू यू कैन गिव टू द एग्जामिनर, वो आपको बेटर मार्क्स क्यों दे. सो इस वीडियो में मैं उस सारे पार्ट को रेफ़र करना चाहूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी, व्हाट आई डिड वाज मैंने एक A4 साइज़ की शीट ली एंड उसमें आई ड्रॉ 4 क्वाड्रेंट्स एंड एक मैं टॉपिक लेता था. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टेकिंग द टॉपिक ऑफ रिलीजन, सो आई यूज़ टू मेक 4 क्वाड्रेंट्स लाइक दिस इज़ अ A4 शीट. This is not entirely the referred material, but for example, this is an A4 sheet. So you can just draw quadrants. You can make 4 quadrants on this side and 4 quadrants on that side. And you can give a topic heading that, for example, it's a topic called religion. So aap uske bare mein 4 quadrants mein idhar and 4 quadrants mein back. So for, against, neutral and how would you be concluding. So इस तरीके से आप अगर streamline notes prepare करेंगे तो वो आपके revisions में बहुत ही helpful होंगे, because जैसे GS mains and GS optional के बीच में जो gap मिलता है 5-6 दिन का, उसमें आप अपने notes को तेज़ी से revise कर पाएंगे. So ये आपकी preparation में बहुत ही helpful होगा. Secondly, I would like to talk about मन की बात, because this is a government oriented channel, as well as हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात पे अपने thoughts share करते हैं and बहुत सारे अच्छे examples and case studies भी share करते हैं. तो वो सारे examples and case studies हमें directly मिल जाते हैं, जिनको हम utilize कर सकते हैं अपने ethics के paper में, अपने essay के papers में, as well as अपने sociology और जो भी आपका optional subject है उनके papers में आप directly as an example और case study quote करते हैं. तो होता क्या है कि इससे आपका कंटेंट जो है वो और ज़्यादा एनरिच होता है एंड यू आर एबल टू स्कोर बेटर मार्क्स, होपफुली आई वुड से, क्योंकि मैंने इनको यूटिलाइज़ किया एंड दैट रिफ्लेक्टेड इन माय मार्क्स. थर्डली आई वुड से कि आप फ्री हैंड डायग्राम्स ज़रूर बनाएं, बिकॉज हमारे पास मेंस के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड लास्ट मोमेंट पे रिवीजन बहुत टफ पड़ता है. तो आप फ्री हैंड डायग्राम्स बना लें. आप 3 क्वाड्रेंट डायग्राम बना सकते हैं, आप क्वाड्रेंट डायग्राम बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप फ्री हैंड डायग्राम में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, और इस तरीके से आप जब डायग्राम्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, सो इस तरीके के डायग्राम्स आप डायरेक्टली अपने एग्जाम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं. सो थ्रू दैट आपकी स्पेस भी फिलअप होगी एंड आपका कंटेंट भी एनरिच होगा और अच्छा आंसर भी अच्छी क्वालिटी का लगेगा. सो यू विल बी एबल टू फेच बेटर मार्क्स. देन इन द नोट्स ऑल्सो आई वुड से कि आपको बहुत ही डायग्रामेटिक नोट्स बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द एथिक्स पेपर फॉर मेन्स, आपको अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में नोट्स बनाएंगे, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम बेटर. तो आप उसी तरीके से अपने नोट्स को बनाएं. अदर थिंग आई वुड से कि फॉर एग्जाम्पल, वॉट आई डिड वॉज, फॉर एग्जाम्पल्स, आई मेड अ नोट ऑन दी वॉल. मैंने एक चार्ट पेपर अपनी वॉल पे लगा दिया था एंड उस पर मैं स्टिकी नोट्स लगाता था छोटे छोटे, जो भी मुझे एग्जाम्पल्स मिलते थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, इफ़ यू आर रीडिंग एनी ऑन एनी गवर्नमेंट वेबसाइट, और यू आर रीडिंग एनी अदर मटीरियल, और यू आर रीडिंग एनी ऑफ द टॉपर्स कॉपीज, तो जहाँ पे भी आपको उनके एग्जाम्पल्स मिले, आप उन एग्जाम्पल्स को पिक करें और अपनी वॉल पर बहुत ही कंसाइज वे में लगा दें. तो जब आप ऐसे का या एथिक्स का पेपर आप राइट करने जा रहे होंगे, तो उसके पहले अगर आप उस वॉल को गो थ्रू कर लेंगे और आप फ्रीक्वेंटली उस वॉल को गो थ्रू करते रहेंगे, तो वो एग्जांपल्स आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से फीड हो जाएंगे. सो आप उसको अपने आंसर्स में, अपने एसे में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, तो वो आपके मार्क्स में ऐड करेगा. देन आई वुड से कि आप सिर्फ कोर्स मटेरियल की बुक्स ना ही, सिर्फ कोर्स मटेरियल की बुक के अलावा आप अदर बुक्स भी रीड करें, जैसे कि आप अच्छी ऑटोबायोग्राफीज़ रीड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ सकते हैं, आप डॉक्टर कलाम के बारे में पढ़ सकते हैं, आप दलाई लामा जी के बारे में पढ़ सकते हैं. तो इस तरीके की जब आप एक होलसम नॉलेज क्रिएट करेंगे, तो ये सारी नॉलेज, बिलीव मी, ये आपके एसे में, एथिक्स में, ऑप्शनल्स में, ये सभी में आपकी रिफ्लेक्ट करेगी और आपके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस, बहुत ही वाइड नॉलेज बेस क्रिएट होगा, जो कि आपको फर्दर इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करेगा, बिकॉज दैट विल रिफ्लेक्ट एज नॉलेज इन योर टॉकिंग एज वेल. सो आप इन्हें भी रेफर करते चलें. अदर थिंग इज लाइक फॉर द मेन्स पार्ट, वी ऑल नो दैट द कंटेंट इज वेरी वास्ट. सो व्हाट आई डिड वाज, मी अलोंग विद माय फ्यू अदर फ्रेंड्स, 2 or 3 फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक गूगल डॉक फाइल बनाई एंड इन दैट गूगल डॉक, लाइक वन फॉर जीएस पार्ट, वन फॉर एसए पार्ट एंड वन फॉर ऑप्शनल पार्ट.
सो वॉट वी डिड वॉज एनीबडी ऑफ अस जो भी हम मटीरियल पढ़ते थे, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, एनी थिंग लाइक दैट, वी यूज टू टेक आउट एग्जाम्पल्स फ्रॉम देम एंड जस्ट कॉपी पेस्टेड. सो एट दी एंड जब मेन्स का एग्जामिनेशन होना था उसके एक वीक पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स की लिस्ट प्रिपेयर हो गई थी, तो उन एग्जाम्पल्स को प्रिंट करा के बाद में हमने कई बार रीड किया. सो उससे भी हमारे कंटेंट में इनरिचमेंट हुआ. देन आई वुड से कि जो हम स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल पीटी 365 फॉर प्रीलिम्स और मेंस 365 फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो आप उसमें से जो भी आपको सबसे रेलेवेंट पार्ट लग रहा है, फॉर एग्जांपल्स डेटा आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या स्कीम्स आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, तो उनका एक अलग से पेपर बना लें जिसको कि आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ कर पाएँ. बिकॉज आप मेंस 365 मेंस के पहले बहुत बार नहीं रिवाइज़ कर पाएंगे, बट वो जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे उससे फैक्ट्स के या एग्जांपल्स के या स्कीम्स के, उन्हें आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर पाएंगे. सो वो आप उसको अपने आंसर में बेटर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे. सो आई होप कि इन स्ट्रैटेजी से आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी रैंक में इंप्रूवमेंट होगा. एंड आई वुड लाइक टू से दैट देखिए, ये स्ट्रैटेजीज़ जो थी वो मैंने अपनाई थी, आप सभी इनमें से वो स्ट्रैटेजीज़ अपनाएं जिसको कि आप यूज़फुली अपनी प्रिपरेशन में कर सकते हैं. आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने भी डीकेटी चैनल के थ्रू ही एंड मैनी चैनल्स के थ्रू मैंने बहुत सारी टॉपर स्ट्रैटेजीज़ देखी, एंड उनके थ्रू जो भी मुझे रेलेवेंट लगा, जो कि मैं अपनी तैयारी में इनपुट कर सकता था, वो मैंने अपनी तैयारी में इनपुट किया, एंड उसका मुझे ठीक रिजल्ट भी मिला. सो इस स्ट्रैटेजी में आपको जो भी रेलेवेंट लगे आप अपनी तैयारी में इंक्लूड करके अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.